अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। यार ये वीडियो स्पेशली मैं अपने आने वाले जूनियर्स, जो इस टाइम 2023 सेशन जो आएगा हमारे पास, 2023 मतलब के जो सेशन अब यूईटी का आएगा, उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यार बात ये है भैया कि हमारा मंडे वाले दिन पेपर है और आपका भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है और आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा है, तो अगर आप लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यार दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है? और दूसरी बात, एक और बात, आपके भाई ने माइक लिया है सिर्फ आप लोगों के लिए। यार कुछ लोग कह रहे थे कि भैया आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो इसलिए आपके भाई ने नया माइक खरीदा है, खर्चा कर दिया है भाई जान। तो अगर अब भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यार आप लोगों की मर्जी है, ठीक है? तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए। तो यार सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एग्रीगेट कैसे बनता है, ठीक है? यार जो इस बार यूटी ने ईकेट का क्राइटेरिया रखा है ना, उसमें यह है कि आपका 33% आपका इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए। और सबसे हाँ, इससे पहले एक और बात बताता चलूँ कि पहले प्रेफरेंसेस में था होते थे, आप जितनी मर्जी अप्लाई कर दें, लेकिन इस बार ग्रुप ए बनाया उन्होंने यूटी ने, एक ग्रुप बी बनाया और एक ग्रुप सी। ग्रुप ए का जो है उसमें सीन ये है कि उसमें आपके जो है ना इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आएंगे, ठीक है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी हैं। उसके बाद ग्रुप बी के अंदर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी। और थर्ड नंबर पे आता है नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ठीक है? अब उसके बाद आपको मैं इनका एग्रीगेट क्राइटेरिया बता देता हूँ कि किस तरह है। जो आपका इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उसके लिए आपको चाहिए होगा ई कैट 33%, ठीक है, और 17% मतलब 17% आपको चाहिए होगा आपका मैट्रिक, और 50% जो है वो आपका एफ एस सी इंक्लूड होगा, ठीक है? उसके बाद ये इन तीनों की परसेंटेज निकाल के आपका जो एंड पे परसेंटेज आएगी वो आपका कहलाएगा एग्रीगेट, और उसके बेस पे आपका बनेगा मेरिट। उसके बाद आ जाता है दूसरा, सेकंड नंबर पे, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इनके लिए आपको चाहिए होगा 25% आपका ई कैट होगा और 30% आपका मैट्रिक और 45% आपकी जो है ना वो एफ एस इंक्लूड होगा। तो इस तरह करके जो है ना आपका क्राइटेरिया बनेगा इसका, जो आपका कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है? तो यार ये आपकी एग्रीगेट बनाने का, और उसके बाद जब आपका एग्रीगेट बन जाएगा उसके बाद आपकी ये लगती है मेरिट लिस्ट, ठीक है? अब मेरिट लिस्ट का क्या सीन होता है, पहले जब हमने अप्लाई किया था, मेरा सेशन है 2020 मतलब के 2020 सेशन है मेरा, और मैंने जब अप्लाई किया था तब टॉप लिस्ट पे थी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और ये कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम जो थे वो आ रहे थे फोर्थ या फिफ्थ प्रेफरेंस पे। लेकिन भाईजान जो इस बार सीन चल रहा है ना, आज से एक या दो साल पहले, उसमें ये सीन है कि भैया आपका जो है वो कंप्यूटर सिस्टम टॉप पे जा रहा है। तो आप लोगों के साथ मिल के, क्योंकि मैं जो मेरिट लिस्ट है वो रिव्यू करने लगा था, और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता मतलब कि हमने अगर हमारा नाम आया है यूईटी के अंदर तो हमने कैसे चेक करना है अपना नाम, हमारा अगर किसी भी फील्ड के अंदर नाम आ गया है तो हमने किस तरह चेक करना है और मेरिट लिस्ट किस तरह बनती है। मतलब कि वजन सीन ये होता है कि जो जिस फील्ड के अंदर आप लोग ज़्यादा अप्लाई एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं उसका मेरिट बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले इलेक्ट्रिकल सिविल थी टॉप पे, अब दो सालों से कंप्यूटर चल रही है। तो आप लोगों के साथ मिल के मैं देखूँगा कि अभी आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि पहले हम जाके अभी मैं मोबाइल से आपको दिखाऊंगा। अच्छा यार आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, ठीक है? गूगल पे आप आ गए, यहाँ पे आपने सर्च करना है यूटी एडमिशन 2023। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें ये आ गया सामने, यहाँ पे आपने क्लिक करना है यूटी एडमिशन 2023 पे। उसके बाद ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी यूटी लाहौर की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो उसके बाद ये उसका पोर्टल आ गया, ठीक है? ये सामने फ्रंट पे, इस पर आपको जितनी भी यूटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैट से रिलेटेड जो भी है वो आपके सामने है। उसके बाद ये नीचे आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो ये आ जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट हैज़ बीन अपलोडेड, ठीक है? ये यहाँ से सिर्फ उन लोगों को शो होगा जिन लोगों ने ई कैट के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है? ये अब आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है? तो ये आपको जो है ना कुछ रिक्वायरमेंट्स इनकी होंगी, ये देखें, ये एंट्री टेस्ट रोल नंबर मांग रहे हैं आपसे, तो ये आप लोगों ने देना है, ये तकरीबन 6 डिजिट का होता है, ये आपके वो उस पर शायद होता है जब आप ई कैट के लिए अप्लाई करते हैं तब उसके ऊपर भी होता है शायद। तो ये रोल नंबर आपने पुट करना है, और नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, और उसके बाद नीचे आपने देना है CNIC। यार ये आपके सामने मैंने अभी एक डाटा पुट किया, ठीक है? तो अभी देखते हैं भजन के इसका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आया या नहीं आया, ठीक है? तो यहाँ से हम करेंगे लॉगिन, जब यहाँ पे क्लिक किया तो यार क्या देखें, इसका मतलब है कि भाई का नाम अभी तक नहीं आया।
ये क्या कह रहे हैं, प्लीज नोट योर नेम हैज़ नॉट अपेयर्ड इन द मेरिट लिस्ट बिकॉज योर मेरिट वाज लोअर देन द मिनिमम। मतलब कि आपका मेरिट जो ये मेरिट लिस्ट लगी है उसके अंदर कहीं पे फॉल करता ही नहीं है, इसलिए आपका किसी फील्ड के अंदर फिलहाल नाम जो है वो नहीं आया। तो वो कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट करें। ठीक हो गया, देखो तो अल्लाह का हुक्म ही कह सकते हैं जिसका पहले नाम नहीं आया। फिर ये एक और दोस्त है, इसका डाटा मैं पुट करता हूँ अभी, तो इसका दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह नाम आते हैं। इंशाल्लाह इसका उम्मीद है नाम आया हुआ होगा। फिर ये डाटा पुट कर दिया, ठीक हो गया, तो अब इसका चेक करते हैं इसका आया या नहीं आया, क्या सीन है। यहाँ से हम करेंगे लॉगिन, तो ये देखें जी माशाल्लाह गुड हो गया, ये इसका नाम आया हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, वो कह रहे हैं कि अपनी HPL के थ्रू अपनी फ़ीस वगैरह पे करें, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपने जो है ना वो आप जो आपको डेट मिली है उससे पहले पहले आप आके सबमिट करवाएं। ठीक है, ये ऊपर लिखा भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव एडमिटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका वो जो यहाँ से आपने डाउनलोड करना है आपका जहाँ भी जिस कैंपस में भी नाम आया होगा वो आपको यहाँ से ये डाउनलोड करेंगे और ये इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको जो है ना वो आपका कैंपस भी शो हो जाएगा और आपका सारा शो हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर किसी का कोई इशू आ रहा है, मतलब कि वो उनका एग्रीगेट बन रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो फिर आपने ऐसे करना है कि आपने इनकी जो हेल्पलाइन है ना उस पर कॉल करके उनको आपने बताना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद ये आपके सामने जो है ना मिनिमम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्रीगेट, ये आपके सामने ये 2023 का जो एग्रीगेट बना है ना टोटल फील्ड्स का, ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया, ये सारा आपके सामने पड़ा हुआ है। ये टॉप पे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जैसे पहले वो 78% है, लेकिन उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस आ जाती है, इसका 81% है, सॉरी 83%। तो ये यहाँ से आप जो है ना इसका टोटल तमाम फील्ड का चेक कर सकते हैं कितना एग्रीगेट बन रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद यहीं पर आप स्टैटिक्स भी चेक कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के 2023 स्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद यार ये एक्स न्यूज हमारा UET लाहौर का ही है, ये ऑफिशियल पेज है। ठीक है, ये तकरीबन इंफॉर्मेशन इनकी सही होती है, ये इन्होंने अपलोड किया हुआ था, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ईजी रहेगा। ये नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, ठीक है ना, इनका इसलिए मेरिट ज़्यादा हाई है क्योंकि इन्होंने ईकैट नहीं दिया, इनका सिर्फ मैट्रिक और FSC बेस पर बना होता है एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद ये ईकैट प्रोग्राम है, मतलब कि जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें ये कंप्यूटर साइंस का 83% है और ये सबसे नीचे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई जिसका 78% है। इनके नीचे भी और काफ़ी सारी फील्ड हैं, तकरीबन 20-25 फील्ड हैं UET की जिनका मेरिट है, लेकिन वो इससे मज़ीद कम है, मतलब कि ये टॉप मेरिट लिस्ट आपको मैं दिखा रहा था जी। तो भाई साहब सुनाओ फिर, लगा है शौक इंजीनियर को तो खास तौर पे लगा होना है। क्योंकि भाई जान कंप्यूटर नंबर ले गया पहले 2 सालों की तरह, इस बार फिर कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा हाई मेरिट जा रहा है और उसके बाद सेकंड नंबर पे है इंजीनियरिंग। और सबसे बड़ा मेरिकल तो ये है भाई जान, जो आर्किटेक्चर 6ठे 7वें नंबर पे पड़ी हुई थी इस टाइम वो 3रे नंबर पे आई पड़ी है। लग रहा है भाई ये क्यामत की निशानी है यार कि इतना मेरिट चेंज हो गया है। चेक कर रहे हैं इंजीनियर की तो कोई वैल्यू नहीं रही यार, सारी जगह कंप्यूटर ने ले लिया। तो यार इंजीनियर्स के लिए वैसे ये लम्हा फिक्री है, जो इनका पहले गुरूर था ना अपनी इंजीनियरिंग पे, मुझे लग रहा है अब टूटने जा रहा है क्योंकि अब इसकी जगह कंप्यूटर साइंस लेने जा रही है। यार ये वैसे आगे पत्ते आ गए हैं, ये बैकग्राउंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो यार चलो इधर ही बैठ जाते हैं। ये चेक करें यार दाएं बाएं घोड़े, हैवी सी, अच्छा आ रहा है बैकग्राउंड। चलो यार, अच्छा यार मैंने बात की थी आप लोगों को कि जिन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया वो लोग क्या करें। यार परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, UET की 3 से 4 मेरिट लिस्ट लगती हैं, ठीक है, तो आप लोग अभी वेट करें। ठीक है, और जिनका नाम आ गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर तो वो कोशिश करें कि इस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करें। ठीक है, वो अपनी फ़ीस जल्द से जल्द पे करें, इसकी लास्ट डेट जो है वो 11 है आपके डॉक्यूमेंट जमा करवाने की। ठीक है, वो कोशिश करें कि जल्द से जल्द जमा करवाएं। ठीक है, अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं लेना या जो भी आपका बाद में वो बाद में फ़ीस रिफंड करवाएं जो मर्ज़ी करवाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें। और उसके जिन लोगों का नाम नहीं है इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि इस बार UET ने और उम्मीद है कि ये दोबारा सेकंड भी ईकैट लेगी और वो लेगी जो पहले जैसे होता था जुलाई अगस्त के महीने के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करें कि अगर इस बार आप इस ईकैट में आपका नाम नहीं आता
तो आप लोग ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोग दोबारा ट्राई करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैच लिस्ट लगेगी, मैच लिस्ट वो अगर उसमें नाम नहीं आता तो आप जो सेकंड ई कैट इनका होगा आप उसके लिए प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दें और इंशाल्लाह आपका अब नहीं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो ई कैट होगा उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक यार। अगर किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी जूनियर का या किसी का भी कोई क्यूरी किसी भी हवाले से हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। और यार जाते हुए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।